सो ही गाइज, यदि आप लोग हैम्पशायर कॉम्बैट इस्तेमाल करते हो दोस्तों, आपको बता दूं, आप सुबह से ही जब हैम्पशायर कॉम्बैट को बोर्ड को जब ओपन कर रहे हो, ये ओपन ही नहीं हो रहा है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं लगभग सुबह से 6-7 बजे से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ओपन होगा तो दोस्तों अभी तक ये ओपन नहीं हो पाया। इसके पीछे दोस्तों रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही मैं दूसरे तरीके से भी खोल के आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैं बैक करता हूँ और यहाँ पर मैं ऊपर क्लिक करता हूँ और ओपन ऐप पर भी जाता दोस्तों, यहाँ से भी नहीं खुलता दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि इस जगह से जाने के बाद यहाँ पर ओपन हो जा रहा, पर यहाँ से मेरा हैम्पशायर कॉम्बैट ओपन नहीं हो रहा, रिक्वेस्ट एरर बता रहा है। इसके पीछे दोस्तों रीजन यह है कि इसमें टेक्निकल ग्लिच आ चुका है, यानी टेक्निकल एरर आ चुका है। तो हैम्पशायर कॉम्बैट की तरफ से इस पे काम जारी है, यानी जो टीम है वो पूरी तरह से लगी हुई है। बहुत ही जल्दी दोस्तों ये ओपन हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि अब हैम्पशायर कॉम्बैट दोस्तों बैंड हो चुका, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक्निकल ग्लिच चल रहा है दोस्तों, बहुत ही जल्दी हैम्पशायर कॉम्बैट फिर से ओपन होने लगेगा सभी का, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। हो सकता है 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर या 3 घंटा भी लग सकता है दोस्तों, ये ओपन हो जाएगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं दोस्तों। एक दफ़ा और भी ऐसा हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि हैम्पशायर कॉम्बैट बैंड हो चुका है, बंद हो चुका है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। टेक्निकल ग्लिच होता है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि अभी हैम्पशायर कॉम्बैट में बहुत ही बड़ा दोस्तों, इसकी बहुत ही बड़ा कम्युनिटी बन चुका है। सबसे ज़्यादा लोग हैम्पशायर कॉम्बैट का ही इस्तेमाल अभी कर रहे हैं, तो इस वजह से अभी टेक्निकल ग्लिच हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।